तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वीवो फ़ोन में एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, वीवो के बहुत सारे फ़ोन में जो वर्जन है फाइव वाला आ गया। जी हाँ दोस्तों, 5.5.5 वाला जो अपडेट आ चुका है, और उसमें आपको काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम मिल रही है कि वो लोग जो है थीम्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्टी जो थीम्स रहती हैं उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक्स क्या है जिससे आपकी जो थीम्स है, चाहे आपका कोई भी फ़ोन हो वीवो का, बहुत ही आसानी से थीम्स अप्लाई कर पाएंगे और वर्क भी करेगी। और ये सभी फ़ोन में काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो गाइज यार देखो, काफ़ी सारे फ़ोन की मेरे पास कमेंट आ रही थी, वीवो V17 Pro की, 15 Pro की, V15 की, मतलब कि काफ़ी सारे वीवो के ऐसे फ़ोन हैं जिन डिवाइसेस में जो वो लोग थीम्स यूज़ नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर परेशान थे जो कि थीम्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, और बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई आपकी थीम्स की वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं निकलता कि हम यूज़ ही नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है गाइज, अगर वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे तो फिर मेरी वीडियो देखने का उनका मतलब ही क्या निकलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, और इस वीडियो के बाद आप नहीं कहोगे कि हाँ आपके फ़ोन में जो थीम्स अप्लाई नहीं हो पा रही है। तो यार वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को ही दबा दे जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। और गाइज, और एक चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर मैं थीम से रिलेटेड और मोबाइल अदर टॉपिक से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी जो कि आप सभी को काफ़ी पसंद आएगी। तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो है ये वीवो V17 Pro मोबाइल है, ठीक है। और इसमें वर्जन जो चल रहा है थीम्स का, वो देख सकते हैं फिलहाल जो है वो है V5.5.3.1। जी हाँ दोस्तों, है और वीवो V17 Pro में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है थीम सप्लाई को लेकर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एक एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। तो जो रखी है मैंने यहाँ पर रखी है, एक आई थीम्स का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ से थीम्स को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में क्या स्टेप करने हैं आपको, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये जो वर्जन है गाइज, आप देख सकते हैं 6.0.0.0 है। जी हाँ दोस्तों, ये 6 पॉइंट वाला वर्जन है जो कि जो 5 वाले से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ठीक है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ये बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, इससे हर एक फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो वर्जन है अपग्रेड है, डाउनग्रेड नहीं है। अगर डाउनग्रेड होता है तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है इंस्टॉल करने में, प्रॉब्लम क्या नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन ये जो अपग्रेड वर्जन है तो बहुत ही आसानी से आप सभी के फ़ोन में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे इसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में गाइड कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और थीम्स का जो लुक है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कोई भी थीम्स अगर अप्लाई करते हो, तो मैं फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके ही, कोई ना कोई थीम शायद मेरे पास पड़ी हो। तो यार मेरे पास जो है एक थीम है ही ये, ठीक है। सिंपल आपको इस पर, मेरे पास 2 थीम है, मैं दोनों को कॉपी करता हूँ और DWD फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ जाके। तो यहाँ पे जो टी वाला फोल्डर है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा। उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो थीम्स मैंने सेट किए हैं तो ऐड हुई नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी जो थीम्स थी वो दोनों ऐड हो चुकी हैं, एक थीम तो मेरी ऑलरेडी वही थी जो मैंने डाली थी, और दूसरी ये वाली पहले से थी, और एक जो ऐड की थी। तो फिलहाल अभी हम देख सकते हैं कि दोनों थीम यहाँ पे मौजूद होंगी, ठीक है। देख सकते हैं दोनों थीम मेरी यहीं पे हैं और यहाँ पे भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो, अब जो है आपके किसी भी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी थीम्स को लेके, क्योंकि आप जो आ गए हैं लेटेस्ट अपडेट में आ गए हो, और 6 पॉइंट वाला जो अपडेट है उसमें आ गया, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत ही ईजिली आप थीम्स स्टोर में अपनी थर्ड पार्टी थीम्स को यूज़ कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।